तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टीपू सुल्तान के किले पे। तो गाइस अभी हमें टीपू सुल्तान पैलेस पे, जो कि बैंगलोर के पास में स्थित है, इसके नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन है ये कृष्णा राजेंद्र मार्केट है। आप इधर देख सकते हैं जूम करके, यहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 20 रुपीस। जैसा कि मैं अंदर आ चुका हूँ, आइए अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। टीपू सुल्तान पैलेस बैंगलोर भारत इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन निवास भी था। हैदर अली ने बैंगलोर किले की दीवारों के अंदर अपना निर्माण शुरू किया। चौथे एल्गो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने अपने सचिवालय के लिए महल का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ऊपरी मंजिल की पूर्वी और पश्चिमी बालकनियों से अपना दरबार संचालित करता था। पहली मंजिल के कोने में 4 छोटे कमरे हैं जो जनानियों के क्वार्टर्स थे। महल की दीवारों को सुंदर फूलों से सजाया गया है। इस स्थल में स्वयं टीपू सुल्तान द्वारा देखे गए भव्य सिंहासन की पेंटिंग भी है। सोने की चादरों से लिपटे और कीमती पन्ना पत्थरों से चिपके हुए हैं। टीपू सुल्तान ने कसम खाई थी कि जब तक वे ब्रिटिश सेना को पूरी तरह हरा नहीं देते तब तक वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिंहासन को ध्वस्त कर दिया और उसकी कीमती वस्तुओं को नीलामित कर दिया। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।